हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं प्लेटेड स्लीव की डिज़ाइन बतलाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर ली है। नॉर्मली जैसे स्लीव की कटिंग होती है वैसे मैंने कटिंग करी है। और यहाँ पे देखिए, मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है। ये देखिए इसकी लंबाई, ये स्लीव के डबल में है। कपड़े को मैंने लिया है, जितनी भी स्लीव की यहाँ पर चौड़ाई है उससे डबल मैंने यहाँ पर कपड़े को लिया है। ये देखिए, कपड़े को फोर फोल्ड कर लिए हैं और स्लीव हमारी डबल है, तो कपड़े हमारी फोर फोल्ड में हो गई, यानी स्लीव के यहाँ पे उसी डबल कपड़े हमारी रहेगी। और इसमें देखिए, हम ये बॉर्डर भी लगाएंगे नीचे की साइड में। देखिए, जिसकी चौड़ाई है यहाँ पे 3 इंच और हाफ हाफ इंच ऊपर नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं। अब यहाँ पे अस्तर में 3 इंच पे निशान लगाएंगे। हमें अस्तर को कटिंग नहीं करना है। मेन फैब्रिक में देखिए 3 इंच हम यहाँ पर माइनस करके लेंगे। जितनी भी हमारी स्लीव की लंबाई है उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़े में, ताकि हमारे कपड़े में यहाँ पे कोई कम ना हो। अब मेन फैब्रिक पे हमें यहाँ पे प्लेट बैठानी है। तो सबसे पहले देखिए, कपड़े को खोल लेंगे और इस साइड से 5 इंच या 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, आप चाहे तो 6 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब दूसरे साइड भी यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए छोटे कट लगा लेंगे। दूसरे साइड भी जहाँ हमने यहाँ पे निशान लगाई है, यहाँ पे भी हम छोटे कट लगा लेंगे। इसी कट से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ से इस प्रकार छोटे छोटे हम प्लेट बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी प्लेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट बना लूँगी। यहाँ से देखिए, जहाँ हमने कट लगाई यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करेंगे। पूरे में हम इसी प्रकार छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर इसे हम रेडी कर लेंगे। देखिए, ये वाली कट जो है बस यहीं तक हमें प्लेट्स बनाना है। अब यहाँ से सिलाई को हम बाहर निकाल लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार प्लेट बनाएंगे। एक साइड में तो हमारी बन गई है, दूसरे साइड में भी सेम। देखिए, यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहीं से हम प्लेट बनाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में ये प्लेट है उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर भी प्लेट्स बनाएंगे। और यहाँ पे पूरे में प्लेट्स बना के इस प्रकार देखिए रेडी कर लेंगे। देखिए, हमारी यहाँ प्लेट्स बनके कंप्लीट हो गई है। अब एक एक प्लेट्स को अच्छे से बैठाएंगे और इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेस लगा लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर है उसे इसके नीचे हम अटैच करेंगे। तो ये जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने दिया था बॉर्डर में, उसी में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। किनारे से पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ एक साइड में तो सिलाई हो गई है, अब सारे मार्जिन को एक साइड करते हुए यहाँ पे ऊपर टॉप सिलाई लगा लेंगे। यहाँ देखिए, बॉर्डर हमारी अटैच हो गई है। अब अस्तर को लेंगे, इसके सेंटर में एक हम कट लगाएंगे और ये मेन फैब्रिक के भी सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। अब देखिए, दोनों कट से कट को मिलाते हुए यहाँ पे नीचे हम सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए, कट से कट मिलाते हुए यहाँ पे हम किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सारे मार्जिन को एक तरफ करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे।
अब इसे देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे, इसके किनारे में सिलाई लगा लेंगे और किनारे में सिलाई लगाने के बाद अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। अब यहाँ से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। चाहे तो आप पहले यहाँ पे पिन लगा के यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सही से यहाँ पे कपड़े को बैठाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी नीचे की प्लेट्स खराब ना हो। सही से इसे बराबर बैठाते हुए यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हमारी यहाँ सिलाई हो गई है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे स्लीव बनके कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, मैं इसे बस सिंपल ही रखूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।